सना भजन जो था वो झुंझरो पतरा टोली कूड़ो लोहड़दग्गा। यहीं पर इसी गांव में शरियाव राव के घर में सरना झंडा प्रकट हुआ है और दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये जो फोटो है, ये फोटो खींचा हुआ इसीलिए लहलहाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि आप सामने जाकर देखिएगा तो आपको लहलहाते हुए दिखाई देगा। तो अपना जो सरना झंडा और हमारे ककड़ों के माध्यम से जो आज माँ सरना माँ तरमेश जगह जगह पर दिस्तार दे रहा है, ये एक विश्वास दिलाने के लिए, लोगों को एक भरोसा दिलाने के लिए कि आओ लौटो अपने सरना की ओर, अपने झंडा पर विश्वास करो। सरना झंडा सफ़ेद और लाल पट्टी की जो झंडा है, इस झंडा पर विश्वास कीजिए और शांति और क्रांति के प्रतीक अपना स्वभाव को मानते हुए सहज और आसान और पवित्र जीवन जीते हुए, महान अपने आप को सोचते और विचार करते हुए अपने समाज के एक एक लोगों को और इस मानवता को प्यार करते हुए एक प्रेम का संदेश देते हुए अपने जीवन को प्रेममय बनाएं। तो यहाँ पर आप जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो मैं वहाँ का नंबर मोबाइल नंबर दे देता हूँ, ये नोट कर लेना 6238328578। ये है मोबाइल नंबर, आप जाना चाहते हैं तो आप जाके दर्शन कर सकते हैं। हमारे सरना झंडा जो है उस सभी को यही संकेत कर रहा है कि इस झंडे के नीचे जितने भी लोग हैं, जितने भी आदिवासी सरना समाज और सरना विश्वासी है, खड़ा हो जाओ, यहाँ वहाँ भटकाव जो है उस भटकाव को छोड़कर बिल्कुल भी पवित्र मन से और ईर्ष्या द्वेष को छोड़कर सहज भाव से सरना झंडा के नीचे आ जाओ, सरना में खड़ा हो जाओ, सरना की महत्ता और झंडा की महत्ता को समझे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना और कमेंट्स करना और शेयर भी करना।